सबसे पहले तो ADCB मोबाइल बैंकिंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ये ओपन करेंगे और ऐसा फेस दिखाई देगा कि वेलकम टू ADCB मोबाइल बैंकिंग, और यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। और इसके बाद आपसे मांगेगा आपका डेबिट कार्ड नंबर, ठीक है, यहाँ पर जो 16 डिजिट का डेबिट कार्ड नंबर मैं डाल देता हूँ जल्दी से जल्दी, और मोबाइल बैंकिंग कैसा डालते आज एक्टिवेट करते मैं बताऊंगा आप लोगों को रजिस्ट्रेशन। इसके बाद योर डेबिट कार्ड पिन, जो आपने पिन कोड बनाया है 4 डिजिट के, यहाँ पर पिन कोड डाल दीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक करिए। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद इसमें मांग रहा है आपको एक्टिवेट की, जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर में एक OTP वन टाइम पासवर्ड आएगा और यहाँ पर डालना है। तो हमारे पास आ चुका है, सिंपल स्टेप है, कोई झंझट नहीं है, मगजमारी नहीं है। और मोबाइल बैंकिंग कैसा रजिस्ट्रेशन करते हैं ADCB अकाउंट का पूरा एंड तक देखिएगा, देखने के बाद ही आप लोगों को पूरा जानकारी मिलेगा। और हमारे चैनल पर नया आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन का बेल भी ऑल ऑन करके रखे, आगे इस तरह का हेल्पफुल वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पर अभी पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड बहुत सारे लोगों को बनाना नहीं आता, साइड में आ रहा है देखिए, तो दोनों सेम डालिए, ठीक है। दोनों सेम डालने के बाद इसके बाद नेक्स्ट करिए, तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई नंबर एंड सब कैप्चा ये सब फिल करके, जैसे कि मैं आगे कर दिए सक्सेसफुल हो गया। अभी बोल रहा है लॉग इन करना, एकदम सिंपल स्टेप है, ठीक है। यहाँ पर लॉग इन पर जैसे मैं करूँगा, पासवर्ड जो बनाया इसमें मैंने डाल दिया और इसके बाद मैं लॉग इन करूँगा अभी और तुरंत ही हो जाएगा। देख रहे हैं मेरा मोबाइल बैंकिंग ऐप एक्टिवेट हो चुका है और इसमें कुछ सब आ रहा है सामने डिस्प्ले में, ऐसा शो होगा आपका जो आगे करते रहेंगे, और मेरा ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है ऑफर एंड नोटिफिकेशन का, जो आप बैलेंस निकालने के टाइम ट्रांजेक्शन का नोटिफिकेशन आएगा तो उसके लिए ऑलो करेगा, तो आपको हर एक टाइम में ऐप में भी शो होने लगेगा और मैसेज तो आता ही रहेगा। और सबमिट पर मैं कर देता हूँ, चाहे तो आप लोग इसका अनेबल भी कर सकते, और इसमें सॉरी ये नॉट बैक करेगा तभी चलेगा। तो बस इतना ही था, देख रहे हैं आपको सामने सब कुछ मेरा रेडी हो चुका है, और गो टू अकाउंट समरी और मेरा सब मैं देख रहे हैं अभी सामने आपके सामने मोबाइल बैंकिंग ऑन हो चुका है। कैसे ही आप लोग मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ADCB मोबाइल बैंकिंग, जो अगर इससे कुछ प्रॉब्लम आ रहा आप लोगों को तो मेरा इंस्टाग्राम में आकर भी फॉलो कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ब्रांच में जाके भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बा आपका कस्टमर केयर का नंबर है उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल स्टेप है। तो बस इतने आज का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।